नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर फास्ट इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ पूनम। आप देख रहे हैं देश की बात। कन्नौज के तीरवा में उर्रिया जा रहे देश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह का समर्थकों ने काफिला रोक स्वागत किया। भाजपा नेता प्रभात वर्मा के घर पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए बाढ़ राहत सामग्री की व्यवस्था की है। प्रदेश सरकार ने बाढ़ को पूरे तरह से नियंत्रित कर रखा है। बाढ़ के लिए पिछले साल से 4 गुना ज्यादा बजट प्रदेश सरकार ने तय किया है। आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से सर्वे करते थे, कभी जमीन पर नहीं चलते थे। हम लोग जमीन पर चलकर आज भी पानी में घुसकर बाढ़ कर तब आए। मंत्री, छिबराऊ में नहर खोदी गई थी, उसमें अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा दिया जा रहा है और कई ऐसी स्थिति है मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा देंगे, मुआवजा तो हम चौगुना दे रहे हैं, पिछले से ज्यादा दे रहे हैं। हसनपुर के सैदन गली में मुहर्रम को शांतिपूर्ण मनाने के लिए थाना सैदन गली में उप जिला अधिकारी और एसओ सैदन गली ने सभी क्षेत्रवासियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी को उप जिला अधिकारी हसनपुर ने कहा कि मुहर्रम के ताजिए तयशुदा रास्तों से ही निकाले जाएं और कोई नई परंपरा ना डाले। उप जिला अधिकारी हसनपुर उद्भव त्रिपाठी ने कहा कि जुलूस पहले मार्गों पर ही निकाले, जुलूस के लिए कोई नया रास्ता ना अपनाए। यदि कोई अचानक घटना हो जाए तो उसकी सूचना तुरंत थाना अध्यक्ष को दे। बहराइच के छावनी बाजार स्थित बंसल फॉर्मो में अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया, जिसमें दुकान और मकान दोनों ही प्रभावित हुए, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 3 मंजिल इमारत में आग पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने फायर टीम को सूचना दी, साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। आग की सूचना मिलते ही फायर टीम पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और आग को काबू किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आसानी से काबू पाना मुश्किल था, जिस पर एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दी गई और मौके पर एनडीआरएफ टीम पहुंच गई और फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ टीम और पुलिस टीम की मदद से घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश और प्रदेश की सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। सरकारें महिला सुरक्षा को लेकर कानून में तमाम तरह के बदलाव कर रही हैं, तो वहीं महोबा में एक दंपति शहर के बच्चों को, खासकर लड़कियों को, अपनी आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर रहने का हुनर सिखा रहे हैं और शहर की दर्जनों लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के साथ साथ उन्हें कराटे के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाकर बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के कडलावत गांव में कुंडालिया परियोजना के डैम में गरीबों के मकान और जमीन पानी में डूब चुके हैं और ग्रामीण खुली जगह में रहने के लिए मजबूर है, लेकिन प्रशासन अब तक समस्या का समाधान नहीं कर पाया। ग्रामीण ने बताया कि उनके मकान और उनकी जमीन पानी में डूब चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला। आज आम आदमी पार्टी का भिवानी में कार्यकर्ताओं सम्मेलन का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष नवीन जय हिंद की अध्यक्षता में हुआ। भिवानी से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके भूप सिंह प्रजापति ने सैकड़ों समर्थकों की संख्या में नवीन जय हिंद की अध्यक्षता में आपका दामन थामा। जय हिंद ने कहा कि ये सीबीआई यानी कांग्रेस भाजपा इनेलो के खिलाफ जंग का ऐलान है, इनका हरियाणा से खुट्टा पाड़ के ही दम लेंगे, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही लगाव है। हसनपुर में पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दवाइयों के गोदाम में छापा मारा था, जिसमें भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद हुई थी, जिसके बाद इसी मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम गठित की और नकली दवाइयों को बनाने वाली फैक्ट्रियों की धरपकड़ तेज कर दी। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज फिर टीम ने दवाइयों के गोदाम पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली दवाइयों को बरामद किया। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आप पहुँचे हैं आज? देखिए, ये दिनांक 26/3/2018 से लेकर 28/3/2018 तक जनपद अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई चली थी, जिसमें 4 औषधि विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर दवा बेचते हुए पाई गई, जो शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। उनसे चारों से जो नमूने लिए गए थे वो नकली मिले थे, वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज के थे, बहुत अच्छे ब्रांड कंपनीज के थे।
उसके ऊपर जो हम लोगों ने फीडबैक लेकर जो कार्रवाई शुरू की है, तो उसी में हमको फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो इसके वेंडर्स थे, उनको हमने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। वहाँ से आज से 6 महीने पहले हमको ये लीड मिली थी कि ये रुड़की में कोई अरुण नाम का एक शख्स है जो कि इस पूरे के पूरे जो है नेटवर्क को संचालित कर रहा है। लगातार 6 महीने तक हम और उत्तराखंड की जो हमारे ड्रग विभाग की टीम है वो आपस में समन्वय स्थापित करते हुए इस पर हम लीड लेते चले जा रहे थे। इसमें अभी हमको 4-5 दिन पहले हमको पूरा का पूरा नेटवर्क का पता चला, तो उसी को जो है हमने कमिश्नर साहब को। लखनऊ में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण और काउंसलिंग से बाहर किए गए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पर आमरण अनशन पर बैठे रहे। इसमें से एक अभ्यर्थी ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की, हालांकि बाद में उसको उतार लिया गया था, जिसके बाद उर्ग हुए अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थल से भगाया। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को चोट आई, हालांकि पुलिस की माने तो कई लाठीचार्ज नहीं किया गया।